बसों की कमी से जूझ रहे दिल्ली वालों की डीटीसी बसों के ब्रेकडाउन की लंबी होती फेरिस्त में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि ओवरेज और मेंटेनेंस में कमी के चलते रोजाना 500-600 डीटीसी बसें ब्रेकडाउन हो रही हैं, जिसमें 10-12 नई इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। सड़कों पर परिचालन के लिए जितनी बसें निकाली जाती हैं उसमें ब्रेकडाउन का प्रकाशित 7% से ज़्यादा हो गया है। इस समय डीटीसी के बेड़े में 3,992 बसें हैं, जिसमें सीएनजी की 3,504 और 488 इलेक्ट्रिक बसें हैं। दरअसल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बसों की उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए ब्रेकडाउन की संख्या बढ़ रही है। बसों के ब्रेकडाउन का आलम यह है कि 26 जुलाई को 558 बसें, 27 जुलाई को 533 बसें, 28 जुलाई को 669 बसें और 31 जुलाई को 522 बसें ब्रेकडाउन हुई हैं। बस के खराब होने के कारण यातायात भी प्रभावित होता है, इससे भीड़ भाड़ पैदा होती है और यातायात की गति धीमी हो जाती है। जब कोई बस खराब हो जाती है तो उसे तत्काल सड़क के किनारे ले जाना असंभव हो जाता है, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। अधिकांश डीटीसी बसें हाइड्रोलिक ब्रेक के सुसज्जित हैं, इसलिए जब तक मैकेनिक नहीं आएगा उसे हटाया नहीं जा सकता। आंकड़ों से पता चला है कि हर महीने बसों की ब्रेकडाउन होने की संख्या 15,000 से ज़्यादा हो गई है। वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जोन में सबसे अधिक बसें सड़कों पर चलते हुए खराब हुई। पहाड़गंज में सबसे ज़्यादा बसें खराब हुई, उसके बाद पटेल नगर, दिल्ली छावनी और वसंत विहार में बसें खराब हुई। अधिकारियों का कहना है कि बसों का खराब होना उसमें सवार यात्रियों के लिए बड़ी समस्या है। वो खुद को सड़कों पर फंसा हुआ पाते हैं और उन्हें वैकल्पिक परिवहन ढूंढना पड़ता है या दूसरी बसों का इंतजार करना पड़ता है। एक अधिकारी ने कहा कि जब मानसून के दौरान सड़कों पर पानी भर जाता है तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है। जब कोई बस केवल 2 लेन वाले फ्लाईओवर पर खराब हो जाती है तब स्थिति और खराब हो जाती है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सड़कों पर बसों के खराब होने के कारण लंबा जाम लग जाता है और प्रदूषण भी बढ़ता है। सड़क पर बसों के खराब होने से तकनीकी विशेषज्ञों को मूल डिपो से बुलाना होता है। चूंकि बसें लंबे रूटों पर चलती हैं, इसलिए डिपो आमतौर पर ब्रेकडाउन वाली जगहों से कुछ ही दूरी पर होते हैं और आवश्यक कर्मियों के आने में समय लगता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से विभिन्न स्थानों पर आपातकालीन वाहनों में तकनीकी कर्मियों को तैनात करने का अनुरोध किया है, ताकि खराब बसों को सड़क से जल्द ही हटाया जा सके। हालांकि डीटीसी अधिकारियों का दावा है कि मैकेनिक और क्रेन भेजकर सड़क में खराब बसों को तुरंत हटा दिया जाता है। बता दें कि मेंटेनेंस की कमी और गर्मियों में ओवरहीटिंग की वजह से बसें सड़कों पर चलते हुए खराब हो रही है। ओवरेज की वजह से भी बसें ब्रेकडाउन हो रही है। मेंटेनेंस के नियमों को ठीक से लागू करना होगा, तो वहीं अधिकारियों को बस के रखरखाव, बस की उम्र व रूटों की दूरी जैसे कारकों को देखना होगा।